हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 4:30 और बस हमारी टिकट कंफर्म हो गई है और हम लोगों को जाना है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, ये देखो बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और बस अब जल्दी से मैं किचन में जाऊँगी और मुझे खाना रेडी करना है। और मेरी जो ट्रेन है वो है 8:30 बजे की, तो 6:30 बजे मैं अपने घर से निकलूँगी। तो मेरे पास है 2 घंटे का टाइम और 2 घंटे में मुझे अपनी पूरी तैयारी लगानी है, खाना बनाना है और तैयार भी होना है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आलू लिए, इनको अच्छे से धुल के और बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो आलू की बनेगी सब्जी, तो बॉयल आलू की मैं सब्जी बनाऊंगी क्योंकि पूड़ियों के साथ ना यही अच्छी लगती है। तो इस टाइम ना मैंने पूड़ियाँ बना ली थी और अब बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ जल्दी से। तो बस कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें हींग जीरा से तड़का लगाया, इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल दी, इसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए है घोल बना के, जो भी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर का घोल बनाया था वो डाल दिया है। और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा इसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और अब आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले के साथ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 5:30 और 4:30 बजे उठे थे, बस खाना वाना बन गया है जल्दी से। और यहाँ मैंने पूड़ी बना ली है, तैयारी हो गई है। और कल वाली जो टिकट थी वो कैंसिल हो गई ट्रेन की और अब हम लोग जा रहे हैं आज वाली ट्रेन से। तो हमारे 2 दिन टिकट बुक थे, एक तो एसी वाले का था वो तो मुझे मिला ही नहीं, कंफर्म ही नहीं हुआ, और आज स्लीपर का है तो वो वाला मेरा कंफर्म हो गया, तो बस स्लीपर से जा रहे हैं। और ये देखो पूरी तैयारी हो गई है, तो दोनों दिन की तैयारी थी मेरी और आज पूरे दिन का सफ़र है 24 घंटे का। तो यहाँ पे देखो ये सारा सामान रख लिया है, ये सब ले जाना है, पूड़ी बना ली है, फ्रूट्स रख लिए हैं, कुछ खीरे ईरे रख लिए हैं, मखाने भुने थे वो हैं, पूड़ियाँ बन गई हैं, ये रियान के लिए चिप्स विप्स हैं और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। और रियान भी नहा के रेडी हो गया है और पौधों में पानी डाल दिया है। हाँ, रियान ने पानी वानी डाल दिया, बस ना बन गया है, पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, बस पैक करना है खाना और मुझे भी नहाने जाना है। और बस 1 घंटे का टाइम रह गया है, जल्दी से कर लेते हैं। और हमारी जो टिकट है वो आज ही कंफर्म हुई है, तो बस जल्दी जल्दी हम लग गए हैं। 2 दिन हमारी टिकट थी, कल की थी और आज की थी, तो कल वाली तो हमारी कैंसिल हो गई, कंफर्म ही नहीं हुई सीट, और आज की कंफर्म हो गई है, लेकिन वो भी ऐसे ही है, स्लीपर वाली है। अब देखते हैं कैसे जाएंगे, दिक्कत तो होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मेरा सफ़र थोड़ा सा लंबा है, तो इसीलिए सारी तैयारी मैंने कर ली है, खाना बना लिया है, पूड़ी सब्जी बना ली है, मखाने भून लिए, गर्मी का टाइम है तो यहाँ फ्रूट्स वगैरह है, खीरा वगैरह वो सब रख लिए हैं रास्ते के लिए। और घर से चीज़ें बना के ले जाओ तो और भी अच्छा होता है, बाहर का नहीं खाना पड़ेगा इतना ज़्यादा। और बस यहाँ पूरी तैयारी मैंने कर ली है गया और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, पूरे 2 घंटे में सारा काम किया और बस निकलने वाले हैं, बस कैब बुक करेंगे और बस कैब आ जाए और इसके बाद हम लोग निकलेंगे। और हमारा बहुत लंबा सफ़र है, पूरे 24 घंटे का सफ़र है, कैब आने वाली है फिर हम लोग निकलेंगे। ये रहा हमारा सामान, 1 2 3 4 5। कहाँ जा रहे हो? पुणे। तो वो जल्दी जल्दी सारा काम किया और अब बस निकल गए हैं, फटा निकलने की तैयारी हो रही है, बस कैब आ जाए इसके बाद हम लोग निकलेंगे, बस लॉक वॉक लगाना है, बाकी सारा काम हो गया है। तो बस अभी जाने का टाइम हो गया है, कैब बुक कर दी है, कैब नीचे आ गई है, सारा सामान मैं बाहर निकालूंगी और इसके बाद मैं लॉक लगा दूंगी और बस सफ़र की शुरुआत हो गई है और बस चलते हैं पुणे। और यहाँ पे कैब आ गई और हम लोग नीचे आ गए हैं और इसके बाद बस निकलने ही वाले हैं। और तो अभी हम लोग निकल गए हैं नोएडा से दिल्ली के लिए, तो हमारी ट्रेन है दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से, तो हम जब भी ट्रेन का सफ़र करते हैं तो हमें दिल्ली जाना होता है। अरे भगवान कितनी भीड़ है। रेडी? तो अभी हम लोग आ गए हैं हजरत निजामुद्दीन और अभी टाइम हो रहा है 7:40, 40 मिनट में हम लोग आ गए हैं निजामुद्दीन। चलो
ये रहा मेरा सामान। अभी ट्रेन में समझ में आएगा। चार पे जाना है और इतना सामान लेके आ जाते हैं, उठाने में कितनी दिक्कत होती है। हमारी ट्रेन आ गई है। चलो भाई चलते हैं, हमारी ट्रेन आ चुकी है पुणे वाली। तो यहाँ पे बैठ गए हम लोग अपनी अपनी सीट पे और हमने अपनी ऊपर वाली सीट ले ली थी और ऊपर वाली सीट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है और जो भी खाना पीना होता है ना आराम से अपना खा लेते हैं। और ये देखो अपनी खाने की चीज़ें घर से लेके आए ना तो आराम से खाते हुए जा रहे हैं और घर का अच्छा भी होता है खाना। 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, सब लोग सो गए हैं खाना खा के। सुबह हो गई, नींद आई अच्छी, सो लिया था। ये देखो सुबह हो गई है और हम लोग आ गए हैं महाराष्ट्र। ब्रश ब्रश कर लिए, बस चाय मंगाऊं। आ गए हम लोग पुणे, सुबह 11 बजे आ गए। ये रहा पुणे का रेलवे स्टेशन। हम लोग आ गए हैं पुणे और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। पूरे कितने घंटे हो गए, मैं 27 घंटे हो गए सफर करते करते। 24 घंटे नहीं, 8:30 बजे बैठे थे। 27 घंटे है, 27 घंटे का सफर कर लिया, पहुंच गए हैं और अब चलते हैं। चलो आओ यान। आगे सामान तो निकाल लो, गेट लगा दिए। पहुंच गए भाई, 12 बज रहे, 12 बजे आए हम लोग। चलो कहाँ से अच्छा, एक ये रही, एक उधर होगी। और हम लोग आ गए हैं घर और यहाँ पे ना वेदर बहुत ही बढ़िया है और हम लोग तो ऐसे ही वेदर से आए हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे आए ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हम लोग घर पहुँच गए हैं, मम्मी पानी लेके बाहर खड़ी है तो सभी के ऊपर से पानी उसारेंगी क्योंकि घर में छोटा बेबी है इसलिए करना। हम लोग आ गए हैं पुणे और मम्मी देखो लेटी हैं बस काम करके, अभी फ्री होके लेट गई हैं। और ये देखो इसके कितने मज़े हो रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे ऑफिस भी चल रहा है इनका। और मौसम देखो पुणे का इतना बढ़िया मौसम हो गया, ये देखो कितना प्यारा व्यू है, बारिश हो रही है यहाँ पे, सामने पहाड़ है, हरियाली है और काले बादल हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। यहाँ पे इतनी ठंड है, सर्दी लग रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, 3 दिन से बारिश हो रही है। रियांत क्या खा रहा है फ्रिज में, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्या खा रहे, चाय तो पीना है अभी।
हाँ चाय पीने के बाद करके हम लोग आ गए हैं नीचे और इन लोग इनकी सोसाइटी घूम रहे हैं। अभी बाहर जा रहे हैं मार्केट देखने कैसा मार्केट। देखो रियान कैसे खेल रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और यहाँ का मौसम बहुत ठंड लग रही है। यहाँ तो इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही, गर्मी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, नाम निशान नहीं है यहाँ गर्मी का। यहाँ पे तो ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज ठंड है। यहाँ बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार, तो यहाँ पे ना मौसम अलग ही एकदम। तो अभी हम सभी लोग डिनर करके और बस नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ मम्मी ले जा रही हैं घुमाने और बस थोड़ा सा सोसाइटी के बाहर जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा मार्केट देखेंगे यहाँ का। बस थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे और अभी टाइम हो रहा था 10:30 बज गए हैं, तो यहाँ का मार्केट भी बंद हो गया है, 1-2 दुकान खुली हैं। बस थोड़ा सा घूमेंगे और इसके बाद वापस से घर जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड। ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा? वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। बाय एंड टेक केयर।